मेरा नाम सूरज खंडेलवाल है। हाँ आज जो इंटरव्यू चल रहा है, ये एक आपका प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, किस जी, तरह का प्रोजेक्ट है, क्या? ये एक मेरे लिए नया प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं इसमें पहली बार काम कर रहा हूँ। एक वीडियो शूट है जिसमें हम लोग वर्क करेंगे। वीडियो शूट का नाम है क्वीन बना दूंगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर। इसमें क्या क्या है आपके, आप इससे शुरुआत कर रहे हैं बॉलीवुड में जी एंट्री, हाँ, आपके प्रोफाइल की बात करें, इससे शुरुआत है, कितना एक्साइटमेंट आपके लिए? बहुत ज़रूरी है ये मेरे लिए वीडियो, क्योंकि इसी के थ्रू मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। तो इससे मुझे बेस्ट देना है ताकि लोग मुझे पहचान सके। एल्बम अपनी पहचान के लिए बनाई जाती है, कोई भी एल्बम जो जी होती हाँ, है उससे पैसा रेवेन्यू जनरेट के लिए नहीं बनाई जाती है, तो इससे कितनी पहचान बनेगी आपकी इंडस्ट्री में? डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मुझे लोग पसंद करेंगे तो वो मेरे लिए है, और अगर मुझे पसंद ही नहीं करेंगे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे अपना बेस्ट देना है ताकि लोग मुझे पहचान सके और आगे जाते हुए मुझे देखना चाहें लोग। एल्बम का नाम जैसे क्वीन है, साथ में लड़की कौन है, इसके बारे में बता। प्रिया पटेल, शी इज़ वेरी नाइस गाय, सॉरी, बहुत अच्छी लड़की है एंड बहुत फ्रेंडली है, उसके साथ काम करने में अच्छा रहेगा। किस तरह की एल्बम है ये, रोमांटिक है, सैड मूड है, किस तरह का है? रोमांटिक नहीं है, वी कैन से लोग इंजॉय करेंगे उस तरह का। इट्स अ पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग है, उसमें लोग मीन्स आजकल के जनरेशंस के लोग को ये गाने पसंद आते हैं, तो मोर ऑफ रोमांटिक भी रहेगा एंड लोग को मीन्स जो जिस तरह की चीज़ें चाहिए होती वो भी मिलेगी। इसके लिए कितनी तैयारी की है आपने? तैयारी तो बहुत की है, लगा हुआ हूँ, बस स्क्रीन पे आने की देरी है। कहीं ना कहीं इस एल्बम में कहीं ना कहीं पंजाबी का तड़का है, क्योंकि हाँ एकदम है एल्बम बहुत पंजाबी तड़का ना हो ऐसा हो नहीं सकता, जी तो हाँ पंजाबी क्या क्या रहेगा इसमें? पंजाबी मिक्स रैपर कुछ एक तो है। हाँ तो रैपर का नाम है डीजे सेजुड और जो रैप करेंगे उनका नाम है बोहेमिया, इंटरनेशनल रैपर है। शूट कहाँ पे होने वाला है इसका? शूट फुकेत में है, 4 दिनों का शूट है, 2 दिन वीडियो शूट रहेगा, 2 दिन स्टिल रहेगा। एल्बम कितना जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए आपकी नजर में? एल्बम एक्चुअली ज़रूरी तो है, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ और इसी के थ्रू अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो लोग मुझे वापस नहीं देखना चाहेंगे, इसीलिए मैं इसे अपना बेस्ट देना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे पहचाने और आगे जाके मैं कुछ कर सकूँ इसके लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आज एल्बम पे आ रहे हैं, चाहे जी ऋतिक हाँ रोशन हो, सोनम हो या जो भी है, तो एक एल्बम का प्लेटफॉर्म है, इंसान को एक अलग पहचान बना के देता है, जी हाँ, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कि उम्मीद ये डरना नहीं है, ठीक है, बहुत लोग हैं, मुझे अपनी अपनी पहचान बने कि मेरा नाम सूरज खंडेलवाल है तो लोग मुझे जाने उसी नाम से। आगे बहुत लोग हैं, सोनम कपूर का आपने बताया, ठीक है, वो लोग अपनी जगह बहुत पॉपुलर है, लेकिन मुझे अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है। वो लड़की जो है साथ में आपके जो वो आर्टिस्ट है उसकी भी एक तरह से शुरुआत है, जी तो आपकी भी शुरुआत है? तो वो मुझे बहुत मदद करेगी, क्योंकि उसकी भी शुरुआत है और मेरी भी शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं हम लोग दोनों एक ही तरीके के, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे हेल्प करती है और कहीं ना कहीं मैं भी उसे हेल्प करता हूँ, तो हम लोग की बॉन्डिंग उस तरह की है जो कि हम लोग को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ, झारखंड में एक छोटी सी शहर है। एक्टिंग की बात करें, किस तरह का एक्टर रहेगा एल्बम में? एक लाइन में बता दो, जी हाँ फिर से, किस तरह की एक्टिंग रहेगी एल्बम में आपका? मैं थोड़ा कूल जो बंदा होता है, स्वैग से रिलेटेड अपना एक एटीट्यूड है, उस तरीके का रोल करूंगा, जिसमें मतलब कि वी आई हैव टू प्ले विद द गर्ल्स, कि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि छाप छोड़ के जाऊंगा। तो आपने पूरा ठान लिया है कि धूम मचा देंगे? जी एकदम ठान लिया है। आजकल जो एल्बम बनती है 80-90 के एल्बम से, और आज की कंपेयर करते हैं, एल्बम एक तरह से फिल्म से ज्यादा खर्चा होता है एल्बम के ऊपर, जी इफेक्ट वगैरह जो है, जी तो इसमें क्या क्या अलग से डाला जाएगा? देखिए, पहले की जनरेशन के हिसाब से लोग पहले के एल्बम जो बनाते थे उसमें लोग फोकस करते थे कि बड़े लोग देखे, या लेकिन आजकल के जनरेशन जो हम लोग के जैसे यूथ लोग हैं वो लोग पसंद करते हैं कि हाँ पंजाबी तड़का होना चाहिए, कुछ नया, लोग को रॉकिंग चाहिए, तो इसमें हम लोग बहुत तरह की वीडियो शूट करेंगे जिसमें सी का भी सीन रहेगा, डिफरेंट सीन्स रहेंगे, तो लोगों को वो देखने में बहुत मजा आएगा। आप फिल्म
से शुरुआत कर सकते हैं, एल्बम से क्यों किया? फिल्म से शुरुआत करता जरूर, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसके थ्रू जा सकूं, तो क्या है कि अगर जहां पर भी मौका मिलता है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटी ही चीज़ क्यों ना। तो एल्बम भी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि फिल्म ही करेंगे तो लोग पॉपुलर होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एल्बम, इवन अगर आपको एड शूट भी मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको ये भी मिल रहा है कि हाँ ये मुझे हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी लोग जानेंगे आपको। अपना आइडल किसको मानते हैं आप? मैं अपना आइडल अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हमेशा मुझे मदद किया। मैं बोला मुझे क्रिकेट सीखना है, उन्होंने उसमें मुझे सपोर्ट किया। मैंने बोला मुझे मुंबई आना है, उसके लिए सपोर्ट किया। एक्टर बनना है, उसके लिए सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आइडल अपने फादर को मानता हूँ। ललित जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ललित जी मतलब एक कैप्टन की तरह काम कर रहे हैं आपके साथ। वो कैप्टन नहीं है, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं कोई भी छोटी से छोटी गलतियां करती थी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि नहीं सूरज ऐसा होना चाहिए, नहीं सूरज ऐसा होना चाहिए। तो वो कैप्टन नहीं, मेरे टीचर की तरह है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। कहीं भी ऊंचा मतलब कि चढ़ाव उतार हो, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। और क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में अपने दर्शकों को, या फैंस तो नहीं कह सकते अभी, बट आप नए हैं जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि एंजॉय कीजिए, और कहीं ना कहीं मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा, और देखिएगा आप लोग जरूर उसे एंजॉय करेंगे। थैंक